खबर आ रही है जहां एसएसबी के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है नक्सलियों की। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पखांजू से, जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है एसएसबी की जवानों की और मुठभेड़ में एक जवान घायल, 3 नक्सली ढेर हुए हैं। एसएसबी डीआईजी वी विक्रमन ने इस बात की पुष्टि की है। तो पखांजू से खबर, जहां नक्सलियों और जवानों के बीच भिड़ंत हुई है, मुठभेड़ हुई है, इसकी पुष्टि भी डीआईजी एसएसबी वी विक्रमन ने की है। मुठभेड़ में एक जवान घायल हुए हैं और 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो बड़ी सफलता एसएसबी के जवानों ने हासिल की है, जहां पर उस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो पखांजू से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर एसएसबी के जवानों के साथ नक्सलियों की भिड़ंत हुई है, इस मुठभेड़ में एक जवान घायल भी हुआ, हालांकि 3 नक्सली जो है जवानों की मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो 3 नक्सलियों को ढेर किया है एसएसबी के जवानों ने, डीआईजी वी विक्रमन ने इस बात की पुष्टि की है। तस्वीरें आप देखें जहां गोला बारूद के साथ नक्सली पहुंचे थे और उनके मंसूबों को नाकामयाब किया एसएसबी के जवानों ने। तमाम जानकारी के साथ विप्लव कुंडू हमारे संवाददाता पखांजू से जुड़े हैं। पखांजू से जो तस्वीरें आई है, विप्लव साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि जो इरादा था वो मुठभेड़ के पहले कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने का था। क्या कुछ ताजा अपडेट अभी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काम चल रहा है अंतागढ़ केवटी से अंतागढ़ तक, तो इसके सुरक्षा में लगे थे एसएसबी के जवान, और इसको जिसने की नक्सली में एसएसबी का जवान देखते ही उनके तरबतर फायरिंग करना चालू किया। करीबन 10 से 15 मिनट तक फायरिंग चली, जिसमें एसएसबी के एक जवान के पैर में गोली लगी और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए अंतागढ़ लाया गया एवं उपचार के लिए हायर सेंटर पर ले जा रहा है। जी, रेलवे ट्रैक के सुरक्षा में लगी थी एसएसबी का जवान। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विप्लव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसएसबी डीआईजी वी विक्रमन ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं पखांजू से, जहां पर मुठभेड़ हुई है। ये वही तस्वीरें हैं जहां पर गोला बारूद और हथियार भी पुलिस के जवानों ने बरामद किए हैं, एसएसबी के जवान जिन्होंने नक्सलियों को ढेर किया है। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हुए हैं, बल्कि 3 नक्सलियों को मार गिराया है एसएसबी के जवानों ने। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर।